मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के स्थित हवाई पट्टी के पास एक नाबालिग बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म की घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बच्ची की हालत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए मेरठ रेफर कर दिया गया। वहीं दुष्कर्म की घटना के बाद सख्त हुए कानून से भी अभी अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजी घटना उस समय सामने आई है जब थाना मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के स्थित बदासना हवाई पट्टी के नजदीक एक 8 साल की नाबालिग बच्ची के साथ अज्ञात लोगों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। बच्ची के साथ घटना हुई, क्या पूरा मामला? ये बदासना गांव पड़ता है मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में। इसमें 22 तारीख की घटना है। उसमें जैसे कि लड़की के पिता ने बताया है कि उनकी 8 वर्ष की लड़की थी, जो वहाँ पे उसको चोट लगी हुई उन्हें मिली, तो इन्होंने यहाँ पे अपने हॉस्पिटल मुरादाबाद में देखा है, फिर यहाँ से रेफर उसे मेरठ में किया गया। तो मेरठ से जो मेडिकल एग्जामिनेशन में दुष्कर्म की बात आई है, उसके बाद पिता की तहरीर पर 376 और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसके आगे की विवेचना की जा रही है। सर, क्या आरोपी गिरफ्तार हो गया? अभी न लड़की लड़की की भी मानसिक रूप से थोड़ी कमज़ोर है तथा पिता भी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दे पाए हैं कि किस तरह से घटना हुई है। उनको भी पहले लगा कि कोई चोट खेलते हुए लड़की को लग गई है, तो अभी अज्ञात में मुकदमा लिखा गया है और इसकी विवेचना की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक।